जंग में कोरोना वायरस की मुमकिन हमले से निपटने के लिए DHU अस्पताल में महकमा सेहत की जानिब से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब वालदैन अपने बच्चों के मामूली बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से DHU अस्पताल में रश बढ़ गया है। अस्पताल इंतजामिया ने शहरियों से रश न बढ़ाने की अपील की है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक राना गुलाम आरिफ से। जी गुलाम आरिफ जी, बिल्कुल, दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचाव और उसे के एहतियाती तदाबीर भी जारी हैं। इस सिलसिले में DHU अस्पताल जंग के अंदर महकमा सेहत की जानिब से इंतजाम भरपूर कर लिए गए हैं। जो आइसोलेशन वार्ड है 4 बेड्स पे मुश्तमिल, उसको भी बना दिया गया है। इस सिलसिले में मास्क, ग्लव्स और शूज के अलावा जो उससे मुतलका जो सामान है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर फराम कर दिया गया है। स्कूलों और कॉलेज में छुट्टी होने की वजह से वालदैन ने बच्चों को यहाँ पे ला के डॉक्टरों को चेक करवाना शुरू कर दिया, जिससे DHU अस्पताल के अंदर खासा रश भी बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो खवातीन और मर्दों की तादाद और बच्चों की अस्पताल में आने की बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। इस सिलसिले में क्या एहतियाती तदाबीर की जा रही है, हमारे साथ DHU अस्पताल के MS अशफाक यार यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत ज्यादा रश देखने में पिछले 2-3 दिनों से आ रहा है, वो इस वजह से है कि जो कि स्कूल कॉलेजेस में और बाकी हर जगहों पे छुट्टियां हो गई हैं और लोग ये समझते हैं कि अब हम फारिग हैं और हमारे पास टाइम है तो हम जाके अपनी हर तरह की बीमारियों का इलाज जो है ना इन दिनों में करवा लें। तो मामूली बीमारियों वाले मरीज हैं जिनको कोई सीरियस मसला नहीं है, जिन चीज़ों को पेंडिंग किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, तो वो ये जब तक ये कोरोना का जो इशू है चल रहा है उनको हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए और जो अटेंडेंट्स हैं जो मरीज दाखिल हैं उनके लवाइकिन को भी जो है ना कम से कम हस्पताल चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना MS साहब का ये कहना है कि DHU अस्पताल में जो लोग मामूली छोटी बीमारियों के सिलसिले में या मरीजों की आदत के सिलसिले में DHU अस्पताल में आ रहे हैं उनको एहतियात की जाए और अस्पताल में रश को कम से कम किया जाए। जी।